सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, दिस इज मी हियर तायुक एंड मैं ब्लॉग ऑन द वे से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आज मैं इमरजेंसी के लिए कल शाम को हमको नोटिस मिला है एंड मैं जा रहा हूँ डिपू या से ब्लॉक से 100 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी है। एंड आज वर्ल्ड टीवी डे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वर्ल्ड टीवी डे। सो मैं आप सबको जो कुछ भी होगा दिखाऊँगा, उससे ट्यून। सो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पागल जैसे अकेला अकेला क्या बातें कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग वेरी न्यू। सो पैदल चलते चलते अब मैं मेन रोड पे आ गया हूँ, तो वासिक मानस और दीदी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो यहाँ पे तो मौसम सही नहीं है, बारिश हो रहे हैं। तो ये सब्जी मंडी है, जब भी मैं सब्जी लेता हूँ यहाँ से ले लेते हैं। ये सिलाने पूरा मछली बेचते हैं। बारिश के कारण से रास्ता पूरा खराब है, गीला गीला हो गया है। सो प्रोग्राम इज ओवर हियर, वी आर गोइंग टू बाइक। सो हम फिलहाल डिपू में है, डिपू कार्बी अंगलोंग की हेडक्वार्टर है, और जो भी मेन जो भी यहाँ पे ऑफिशियली काम यहाँ एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो तीन लोग यहाँ फोटो खींच रहे हैं। एंड आज वर्ल्ड टीवी डे के साथ साथ और होली दहन है। मानस और दीदी का शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रहे, हम बस ना कोई मार्केटिंग नहीं, बस पीछे पीछे हम घूमे जा रहे हैं, मेन मार्केट टीम वाला आगे आगे। सो डियर गाइस, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमारा लंच भी हो गया है। और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप सबको बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा एक दोस्त में बचपन में हम लोग साथ में रहे थे एक स्कूल में, जब यूपी में बनारस में था, एक एनजीओ में एक हॉस्टल में थे, तो हम लोग क्लास साथ में। तो आज आफ्टर लॉन्ग टाइम वी टुगेदर एंड इट वॉज अ वंडरफुल मीटिंग विथ हिम, हर नॉट हिम, उसके नाम है कसंग। तो अभी ये फाइनली भैया आ गया हम लोग को पिकअप करके, हम अपने ब्लॉक के लिए वापस निकल रहे हैं। और ये भैया एक्चुअली उस जिस ब्लॉक के लिए हम जा रहे हैं वॉक ब्लॉक में वो रहते हैं, तो वो भी आज वर्ल्ड टीवी डे के लिए यहाँ आए थे। उनकी यहाँ पोस्टिंग है, बट वर्ल्ड टीवी डे के लिए स्पेशल वो यहाँ आए थे, वो खाली जा रहे, तो हम लोग को भी साथ में उतार के लेके आ गए हैं। डियर गाइस, ये रोड पे कारवे ट्रैफिक कलरफुल ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप जो कलर पेंट किया गया, इट्स वाज से समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। तो हम आगे बढ़ते हुए, जब हम आगे बढ़े थे पेट्रोल पम्प में रुके थे एंड तेल भराने वाले थे, एक तो बहन ये तेल भर रहे थे, इट वाज समथिंग वेरी न्यू। तो अब हम अपने ब्लॉक के लिए बढ़ रहे हैं।
सो आप सबको कैसे लगा है वीडियो प्लीज़ बताना, और साथ ही साथ हम ये लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे हमको अपनी घर की यादें आ रही, जितना भी सब्जी देख रहे सब अपना ही आके थे। आज होली दहन है एंड विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी होली दहन। और कल होली है एंड इसके साथ भी एडवांस हैप्पी होली टू एवरीवन। होली दहन इसलिए मनाया जाता है कि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू माइटोलॉजी, हिंदू माइटोलॉजी, एक राजा हिरण्यकश्यप जो राक्षस कुल में पैदा, तो उनके एक बेटा था जिनका नाम प्रहलाद था। और प्रहलाद बचपन से ही, जन्म से ही भगवान के नाम, विष्णु के नाम जपते थे। तो उसको कई तरह की मनाने की कोशिश की कि भगवान का नाम ना ले, यहाँ तक कि उनको मारने के नाम। सो प्रहलाद को मारने के लिए कई तरह के अपनाए गए एंड जब पहाड़ से भी इतना छोटा बच्चा को फेंका गया था एंड पर भी वो मरे नहीं, फिर भी जिंदा वापस आ गया। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन था जिनका नाम होली का, और उनको वरदान मिला था कि उनके पास एक कपड़ा था जो उस ओढ़नी को ओढ़ने के बाद वो कहीं आग में बैठने से नहीं चलते हैं, ऐसे वरदान मिला था। तो तब ये भी अपनाए कि उसको बहुत बड़ा से आग इकट्ठा किया, लकड़ी जमा किया, तो उसका ऊपर में होलिका और प्रहलाद को बिताया एंड बाढ़ के कारण से पूरी रास्ता ऐसे गीला पड़ा हुआ। मैं ये बता रहा था कि होलिका और हिरण्यकश्यप को ये लग रहा था कि अगर प्रहलाद को होलिका गोद में बिता के अग्नि में बैठ जाएंगे तो प्रहलाद मर जाएंगे और सारा ये ताम जाम नहीं होंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। जब वो अग्नि में बैठी प्रहलाद को लेके, हवा के कारण से उनकी जो ऊपर में जो छुरनी जो कवर कोच था वो उड़ गए, तो होलिका मर गई एंड प्रहलाद फिर जैसे था वैसे वापस आ गए। तो कंक्लूजन में ये आता है कि मतलब इस कंक्लूजन यही आता है कि अगर इन ह्यूमैनिटी, अगर हम या कोई भी आदमी के अंदर में कोई भी पाप या जो गलत विचार, जो बहुत गलत विचार करते हैं, या वो किसी से अपने फैमिली या किसी सराउंडिंग में किसी रिलेटिव से झगड़ा हो जाता है, तो इसी दिन वो सारा चोर के एक नया जिंदगी का स्टार्टअप खड़े कर 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 सकते हैं, ऐसा मानना है। तो ऑल अबाउट होलिका दहन टुडे। सो मैं वापस अपने जगह आ गए हैं एंड विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी होली एंड प्लस होलिका दहन। तो आज साथ साथ में हम वर्ल्ड टीवी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो टीवी मुक्त भारत की बात भी कर रहे हैं। प्लस हम टीवी को हटा नहीं पाएंगे, बट उसको कम से कम मिटिगेट कर पाएंगे, कम से कम कर पाएंगे। सो दैट्स विद दिस नोट, हम मिलेंगे आपको कभी अन्य वीडियो पे। तब तक के लिए हम आप सबसे अलविदा ले रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।